इस वक्त एक बड़ी खबर आई है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। आप जानते हैं उस खत में क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि देश के पुनरुत्थान का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या धाम में नए राम मंदिर में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधिवत तपश्चर्या कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि उस पावन परिसर में आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली अर्चना से हमारी अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा का एक ऐतिहासिक चरण पूरा होगा। ये इस वक्त जो खत में पढ़ रही हूँ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अमीश जी, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अमन, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था वो सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 5 साल पहले अयोध्या में आते थे, 4 साल पहले आते थे, तो लगता था कि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। अमीश, मैं अगर दिल से बोलूं बहुत बुरा लगता था। मुझे याद है जब, अगर आप में से किसने भी दर्शन किए होंगे प्रभु राम, ऐसा लगता था कैद में आप सीखचों के बीच में जाते थे। 3 सिक्योरिटी लेयर होती थी, कमांडो होते थे, पुलिस फोर्स होती थी और टाट में प्रभु राम वहां पर होते थे। जब आप देखते तो लगता था प्रभु राम कैद में है। और 70 साल प्रभु राम कहते हैं कि भाई जब ये जो कलयुग में त्रेता युग की जो शुरुआत हो रही, जिसको कहा जाता है कि एक वो कलयुग त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास था जी, 500 वर्षों का टेंटवास, जो टेंटवास है वो अब खत्म होने जा रहा है। एक बार मैं जगत गुरु दिनेशाचार्य जी के पास जरूर आना चाहूंगा। मैं आपसे लगातार, मुझे याद है पिछले 7-8 सालों से लगातार मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिला जी अमीश, और जगत गुरु जी के पास मैं लगातार गया हूँ। जगत गुरु कई बार भावुक हुए क्योंकि लड़ाई जगत गुरु दिनेशाचार्य जी ने भी लड़ी। अभी भावुक हो रहे हो? सोचा जगत गुरु जी ये क्षण देख पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं अभी आ रहा हूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम रात्रि में हैं। आप याद करें कि जब इस अयोध्या में गोलियां चली होंगी और ऐसा ही जन सैलाब इस अयोध्या की गलियों पे था कि एक बार अपने राम को हम जी भर के निहार लें। मुझे लगता है कि ये कितने करोड़ों राम भक्तों की आस्था इसके साथ जुड़ी है। आप विचार करें कि उन जन भावनाओं का जो स्पंदन है आप यहाँ खड़े होकर के महसूस कर रहे हैं। आपके आसपास इस रात्रि में, जिस रात्रि के बाद चारों तरफ घोर सन्नाटा छा जाता है, आज चारों तरफ एक उसका स्पंदन, एक भक्ति का भाव, उसकी जो एक त्वरा, उसकी जो एक आकृति बनकर के उभरी है, मुझे नहीं लगता है कि आज रात्रि में कुछ होने। बधाई गाने का दिन है, बधाई गाने का दिन है। एक चीज है किशोर, ऐसा बहुत कम होता है। मैं पूछना चाहूँ, रूबिका ने जो अभी खबर सुनाई कि प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश में बहुत सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में, उनको तपस्वी बोला गया है और देश के पुनर्निर्माण की बात हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इतने सवाल झेल के भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए राम राम, अब जैसा होता है ना, कईयों को तो राम समझ में नहीं आते, जैसा प्रतीक और हम बार बार बात करते रहते हैं। अब राम राम वो है, जब आस्था ना हो तो खोपड़ी में नहीं आते, आस्था हो तो झोपड़ी में भी आते हैं। जी जी, मैं यहाँ पे शास्त्री जी से यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र के पास कुछ खबर है? यतेंद्र आपके पास कुछ खबर है? फिर से हम दुनिया में, फिर से हम फतवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम फतवा लहराएंगे, यूपी में फिर से। देखिए राम का माहौल किस तरह से, राम का जादू, भगवान राम का जादू किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये नौजवान है, नौजवान है जो इस शीत लहर में भी भगवान राम के गीतों पर थिरक रहे हैं और रोड पर, बीच रोड पर इनका ये डांस चल रहा है। आप देख सकते कोई कोई शीत लहर की कोई कोई प्रकोप इनको नहीं है और साफ तौर पर जो राम नाम है वो इनके सर पर जादू की तरह चढ़कर बोल रहा है। और वो जादू है राम नाम का, जो रंग इस वक्त अयोध्या में है वो रंगोत्सव की तरह इसको अपने फील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल धुन में मस्त हैं, राम धुन में मस्त है, जो राम के गाने यहाँ पर चल रहे हैं। कोई कोई
संकोच नहीं है, कोई कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है और लगातार ये डांस कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ सुध-बुध खोकर पूरी तरह से फील ले रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जो इस भारत की संस्कृति है उसमें राम नाम के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और यही कारण है कि सब कुछ भूल कर, सब कुछ भूल कर ये लोग यहाँ पर डांस, सब कुछ भूल कर ये लोग वहाँ पे माहौल है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल है। मैं यहाँ पे शास्त्री जी हैं अयोध्या न्यास से, उनसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री यशस्वी हैं ऐसा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू खुद बोल रही हैं, उनके यशस्व पे उनकी जो तपस्या रही है, जो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतना किया है, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रथम बार इतिहास में सत्ता ने सत्य को निहारा है। आज तक कभी जब भी कोई सत्ता पर बैठता है तो उसे सत्य नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन स्वतंत्र भारत नहीं देश के इतिहास में पहली बार सत्ता ने सत्य देखा है। और जब जब सत्ता सत्य को देखेगी तो वही सत्ता आगे भी चलेगी, और सत्ता पर वही बैठेगा जो तपस्वी होगा, क्योंकि सत्य और सत्ता में बहुत अंतर है और विधान और संविधान में बहुत अंतर है। विधान कभी बदलता नहीं है, वो विधान कल होने जा रहा है, और संविधान अनंत बार बदलता रहता है। तो आज सत्ता ने सत्य देखा है और संविधान ने विधान देखा है, और उसके मूल में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। पुनर्निर्माण की बात हुई है, देखो भाई सारे लोग आ गए हो, अब आ गए हो तो रामधुन कुछ गा ही लो। आती है रामधुन? गुनगुनाओ। आगे आएगा ये कहाँ से आना हुआ जी? मैं मध्य प्रदेश के मैहर जिले से हूँ, जहाँ माई शारदा भगवती, हाँ, जो वाणी देती है जी, वाणी देती है, सद्बुद्धि देती हैं, और सभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे बार बार किशोर जी कह रहे थे ना कि अब प्रारंभ होगा या ये अंत है, तो मैं कह रहा हूँ कि सद्बुद्धि मिले उसके बाद सारा चीजें प्रारंभ है। मैं तो वही आपसे भी कह रहा हूँ कि अभी तो ये आप खुद देख रहे हैं कि पहले का जो त्रेता युग था शायद आज यहाँ कलयुग में उतर आया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत वर्ष एकदम अयोध्या मैं राम मैं जी। बाबा जी प्रणाम है आपको, कहाँ से आना हुआ प्रणाम? आपका स्थान यही जी, जी। अयोध्या कितने बरस से देख रहे हैं आप? मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, कार सेवा भी किया हूँ। कार सेवा किया है तो आप प्रसाद है। मैं बहुत अच्छा लगा है ये राम का धजी धजी अयोध्या। और पहले अयोध्या कैसी थी? पहले ये स्वरूप नहीं था, अब बहुत अच्छा हो गया है। ये इसके पीछे धजी धजी नवेली प्यारी, बिल्कुल प्रतीक। तो अब वो मंगल बेला आ गई है, वो शुभ घड़ी आ गई है जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा, अगर आप इजाजत दे तो चलते चलते ब्रेक पर हम वो गाना जो हमारे नेटवर्क ने तैयार किया जरा वो धुन सुन लेते हैं जी। बिल्कुल, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। ये कष्ट है, ये पीड़ा है, उन राम भक्तों की क्या कसूर था मैं पूछना चाहता हूँ। मंजी कोठारी बंधुओं का क्या कसूर था, क्यों गोली मार दिया गया? माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, वो भी तो कह सकते थे। क्या कोई वहां चढ़ गया था क्या? राम जन्मभूमि से दो दो तीन तीन किलोमीटर लोग दूर थे, वहां तो थोड़े नहीं। ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये बता रहा हूँ। सरजू आश्रम करने नहीं देते थे, 84 कोसी परिक्रमा करने नहीं देते थे, क्या बात करते थे फैजाबाद? आप मुझे यतेंद्र के पास जाने एक बार मुस्कुरा दीजिए तब जाऊंगा, अब आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते आपके। नहीं, नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराइए और मैं यतेंद्र के पास जाऊंगा, मेरे सहयोगी के पास। राम भक्तों की पीड़ा है,
अब तो उल्लास का समय है। नहीं, उल्लास के समय है, लेकिन मैं भूलू तो नहीं ना इन काल नियमियों को। इन काल नियमियों को गदा की जरूरत है, जो अभी भी नहीं, गदा ये छोटा नहीं है, ये महाबली की गदा, हनुमान जी महाराज की गदा है। इन दुष्टों को इस गदा की जरूरत है अभी भी। राम भक्तों की सीना गोली छलनी करने के बाद ये कहते कि नहीं मैं भी राम का हूँ। अरे इन कालेमियों से सावधान होने की जरूरत है और कुछ नहीं। यतेंद्र अब आपके पास, क्योंकि लता मंगेशकर चौराहा जो है ना, वहाँ पर यतेंद्र हम लगातार आपके साथ भी रहे, अयोध्या में वहाँ पर पूरा भारत समाया हुआ है। लता मंगेशकर चौराहे से यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र बिल्कुल अमन, लता मंगेशकर चौराहे की बात करेंगे तो पूरा भारत यहाँ पर मिलेगा। भारत नहीं, जो विदेश में भारतीय मूल के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए। और एक लता मंगेशकर चौक की दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ कि लगेगा कि दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सूर्य अयोध्या में उतर आए, भगवान राम की धरती पर। आप देखिए तस्वीर, सूर्य स्तंभों की तस्वीर है जो यहाँ पर लगाई गई है। और हमारे साथ कई लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान राम के लिए वो कुछ सुनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं कि केवल अयोध्या नहीं, दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है उसको भी आज सजा दिया गया भगवान श्री राम के झंडे। मेरे मन में राम बसा है, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। राम लला का राज तिलक है, ओ राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम। अयोध्या तो जाकी है, मथुरा बाकी है। अयोध्या तो जाकी है, मथुरा बाकी है। अयोध्या तो जाकी है, मथुरा बाकी है। राम जन्मभूमि, एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर है। जय श्री राम, जय श्री राम। का तकाजा नहीं है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर कोई जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूँ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूँ रूपिका लियाकत। नमस्ते, मैं हूँ किशोर अजवानी। जय सियाराम, जय सियाराम। देश का सब नेटवर्क देश का सबसे बड़ा पर्व मना रहा है। श्री राम आ रहे हैं और हम उसकी पल पल की न सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, बल्कि ये जो राममय माहौल है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमन चोपड़ा, हमारे साथ हैं सपना शुक्ला, मोनिका ठाकुर, अमित सिंह, रवि सिंह, अरुण सिंह और यतेंद्र शर्मा। इस खास पेशकश में, इस खास लाइव पेशकश में राम की पैड़ी से, अयोध्या से हम वो माहौल देखेंगे जो मेरे साथी ये कई दिनों से देख रहे हैं। मैं तो आज पहुंचा। प्रतीक, आप तो बहुत दिनों से यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ही नहीं, पूरे ये जो पूरा रास्ता आपने जो सफर तय किया मथुरा से होते हुए जी, ये देश में जो कहा जा रहा है एक सांस्कृतिक चेतना फिर से जाग रही है जी, वो आपने कैसे महसूस की? मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, और सबसे तो पहले ये कि अयोध्या में मौजूद हूँ तो अयोध्या जैसा लगना चाहिए। तो बोलिए, जब जगे हुए हो तो बोलिए। जी 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 जी, बस 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 जी। मैंने ये कहा था कि मर्यादा,